मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां पर छतरपुर के बरकुहा गांव में एक किसान की फसल पर कुछ दबंगों ने जेसीबी चला दी, जिससे फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। बता दें कि कुछ दबंग बंदूक लेकर आए और किसान की फसल को बर्बाद कर दिया। इस दौरान प्रशासन और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पीड़ित किसान का आरोप है कि वह 40 साल से जमीन पर खेती कर रहा है, लेकिन दबंगों ने प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से खड़ी फसल पर जेसीबी चलाकर उसे नष्ट कर दिया है। वहीं इस मामले में नायब तहसीलदार का कहना है कि उन्होंने किसान की फसल पर जेसीबी नहीं चलाई है, उनके पास भूस्वामी को कब्जा दिलाने का आदेश था, इसलिए वह सिर्फ मौके पर गड्ढे और फिलर कराने गए थे। यदि किसान को धमका कर फसल में जेसीबी चलाई गई है तो वह इसकी जांच करेंगे और फिर कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर से मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। सर, हमारी जमीन पर नारायण यादव के द्वारा जेसीबी चलवाई गई खड़ी फसल पर। क्यों आखिर? वो सर वो कह रहा है कि हमारी जमीन है जबरदस्ती। नहीं तो ये पैतृक जमीन है कि जी क्या? सर हमारी पट्टी वाली जमीन थी, 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा दी गई थी हमारे दादाजी और नाना जी और उनको। तो उन्होंने एक पीएन यादव उनके समधी आए थे, उनके डीआईजी वगैरह सब बैठे, तो उन्होंने हमारा पट्टा नष्ट करवा दिया। हमारा सर ग्वालियर कमिश्नरी में केस चल रहा था, 250 के आवेदन भी लगा था। आज क्या हो रहा है आपकी जमीन पर? हमारी जगह में जो जाली लगा रहा है। किसके द्वारा लगाई जा रही है? हमारी जगह में क्यों लगा रहे हैं? उनकी जमीन है क्या? अभी तुम्हारे कागज आ गए थे? वर्तमान में की भूमि है ये? भूमि स्वामी की जमीन थी, इनका 250 का आवेदक का वेदकली का आदेश हुआ था उसके पक्ष में। उसके परिपालन में पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में आवेदक को उसकी भूमि स्वामी की जमीन के किनारे किनारे अभी सिर्फ गड्ढे खुदवाए गए हैं, फसल को बिना नुकसान पहुंचाए अभी सिर्फ पिलर खोदे गए हैं। वहां नहीं, फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, फसल के किनारे किनारे गड्ढे खुदवाए गए हैं पिलर के लिए, फसल को अभी कोई भी क्षति नहीं।